स्पेशली एक गाने दो गाने तो सिर्फ सीन्स के लिए बना रखे, तो वो सीन्स के लिए गाने क्रिएट करना तभी हम म्यूजिकल बोल पा रहे हैं। कि जरूरी नहीं कि आप वीडियोस वीडियोस देखोगे, कि जैसे एक दो गाने का वीडियोस देखोगे आप, बट बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए भी म्यूजिक बनाया गया है, तभी हम म्यूजिकल बोल रहे हैं। लकीली हमने पहले वर्कशॉप्स काफ़ी कर ली थी, तो सेट पे तो इतना वी वर लाइक अ फैमिली, और उन्होंने बहुत कंफर्टेबल, उनको पता था न्यू कमर हूँ, पहले दिन देख लिया कि थोड़ी बहुत मेरी नर्वसनेस देख ली थी, तो उन्होंने फिर बाद में वो खुद ही, दैट्स हिज बेस्ट पार्ट, कि वो खुद कंफर्टेबल फिर कराने में लग जाते, तो वो सबसे बेस्ट पार्ट था। एंड सेकेंड थिंग कि जब मुझे याद है काम है VCR में इनको देख रहा था, वो चाहत की ज़रूरत है, बचपन में स्कूल से आते बैग रख के हम नेबर के घर चले जाते थे सिर्फ आशिकी, बार बार पता नहीं एक दो साल देखी होगी मैंने, तो फिर बस हाँ वो नर्वसनेस उसका ही था, नर्वसनेस उसी का था कि कहाँ मैं VCR में देख रहा था यार, कहाँ मैं काम कर रहा हूँ, तो पहले वो था। एंड देन सेम योगराज सिंह जी के साथ भी ये था, उनका एक अलग ऑरा है पंजाब में जब हम शूट कर रहे थे, क्योंकि मैं पंजाबी मूवीज़ भी बहुत देखता हूँ, तो मुझे उनके साथ सबसे ज़्यादा डर भी लगा था। इट वॉज सपोज टू डू गो इन थिएटर्स, बट आई थिंक कोविड ने सबका ही गेम खराब कर दिया, तो आई थिंक नाउ द प्रोड्यूसर आर थिंकिंग टू गो फॉर OTT, बट अगर थिएटिकल अच्छा रिस्पॉन्स अगर अभी तक आता तो शायद हम अभी भी ऑप्शन खुले रखते, बट टिल नाउ, और ये भी ज़रूरी है, सेफ्टी भी ज़रूरी है, तो ठीक है। सर नाम बना के कौन देता है? ऑडियंस, जो आज अभी आप कह रहे हो कि जिनके नाम है, तो वो नाम किसने बनाए? हम लोगों ने ही तो बनाए, हम इन तो हर शुक्रवार टिकट खरीद के जा रहे थे, नहीं, जिनके नाम आए हैं, तो जिनके नाम आए हैं, बट अभी सब कोई गया तो नहीं है, जो गए थे वो भी बाहर आ गए अब तो फिर तो वो ठीक है, बट हाँ वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो आपने सुशांत के बारे में बोला, कि देखा जाए तो आई यूज़ टू लुक कि लाइक जैसे एक शाहरुख खान है, सुशांत है, अक्षय सर है, तो हम देखते थे, मतलब मैं तो बहुत बड़ा फिल्मी कीड़ा था, मैं तो मतलब वांटेड देख के निकला था, तो सलमान सर जैसा वो ब्लू ब्रेसलेट भी पहन लिया था, मैं तो ऐसा फिल्मी कीड़ा था, तो मेरे लिए तो वो एक झटका ही था सुशांत का जब न्यूज़ आया था। एंड मैं लास्ट ईयर मिला भी था उनसे थ्रू मोहम्मद सर, तब उन्होंने बहुत अच्छे बल्कि गाइडेंस दी थी मुझे कि ब्रो यू नीड टू हैव पेशेंस, इस इंडस्ट्री में पेशेंस इज़ द की। मैं मेरे बस दिमाग वो उन दिनों बस मेरे दिमाग में ये था कि ब्रो आप मुझे गाइड कर रहे हो, पेशेंस इज द की, तो कोविड के टाइम में सबने पेशेंस दिखाया है, तो ये गलत हुआ है बहुत, आई रियली मिस हिम। बट जो अब बाकी चीज़ें आई है सर, वो तो हर इंडस्ट्री में है, किस इंडस्ट्री में नहीं। रही बात नेपोटिज्म जो आप पूछ रहे थे, इन गोइंग जो डिबेट चल रही है, वो मैं मेरे हिसाब से अभी मुझे भी एक चांस मिल गया है, उनको भी एक चांस मिलता है, सेकेंड चांस आपको अपने टैलेंट से मिलेगा, वो भी ऑडियंस के ऊपर है, दैट्स इट। तो वो मेरे हिसाब से आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग कि बस हाँ फर्स्ट चांस थोड़ा जल्दी हो जाता है, थोड़ा बाद में होता है किसी के लिए, बट सेकेंड चांस वो ऑडियंस देगी, वो किसी का फादर भी नहीं दे सकता, वो देता भी रहेगा तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा, वो कहीं हुए भी। सो बिफोर डूइंग थिएटर आइडल्स मेरे शाहरुख सर एंड ऑल, तो वो आज भी है, बट आफ्टर द जब वो स्ट्रीट प्ले करे, थिएटर का थोड़ा नॉलेज आया,
तब थोड़ा एक्टिंग के हिसाब से भी आइडल्स चेंज हुए या एड ऑन्स हुए हैं कि मनोज वाजपेयी सर, इरफान सर थे, नसरुद्दीन शाह सर है, अनुपम खेर सर है, क्योंकि वो मुझे याद है मैं श्रीराम सेंटर दिल्ली में नुक्कड़ नाटक कर रहा था तो वहीं पर ही उनकी फ़ोटोज़ भी लगी, तो वहीं से तो आइडल्स एड ऑन मेरे बहुत होते हैं एक्टिंग में कि बनना, जैसे कोई यू नीड टू हैव अ चार्म लाइक शाहरुख सर, यू नीड टू हैव अ एक्शन लाइक अक्षय सर, यू नीड टू हैव अ स्टाइल लाइक सलमान सर, वो हम यंगस्टर्स में होता है। बट जब थिएटर के बाद थोड़े आइडियोलॉजी बड़ी चेंज हुई है इन टर्म्स ऑफ क्राफ्ट के लेके कि ओके, क्योंकि तब हम इंट्रोड्यूस नहीं थे, तब हम वो कमर्शियल सिनेमा से इंट्रोड्यूस थे। एट द एंड ऑफ द डे चाहे नवाजुद्दीन सर हो, दे चेंज द सीन ऑफ द इंडस्ट्री, और ऑडियंस ने जब एक्सेप्ट कर लिया तभी सीन चेंज हुआ, उससे पहले नहीं हो रहे थे। थैंक यू सो मच सर। कैसे एक्सपीरियंस? तो एनरिचिंग, फुलफिलिंग। एज अ प्रोड्यूसर कोशिश यही रहती है कि हम कुछ नया लाएं ऑडियंस के लिए और फ्रेश लाएं। सो इट वाज ग्रेट टू गेट द न्यू स्टार कास्ट, फ्रेश लुक, तन्मय सिंह एंड मुस्कान विद अ ग्रेट पैशनेट डायरेक्टर लाइक नितिन। एंड ऑफ कोर्स इसका जो आल्सो प्लस पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट, यूएसपी ऑफ दिस फिल्म इज़ द म्यूजिक एंड दिस सॉन्ग सयोनी। इट इज़ अ ग्रेट सॉन्ग फ्रॉम द 90s एंड फ्रॉम द बैंड जुनून। इट वाज सो पॉपुलर दैट इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ नेशनल एंथम 90s में, बहुत बहुत पॉपुलर था। अब इसी सॉन्ग को रिक्रिएट करना, रिप्राइज करना और फ्रेश न्यू पैकेज में सामने लाना वॉज अ बिग चैलेंज, और बिकॉज इट कुड गो ईदर वे। लोग कंपेयर करते हैं और उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए था कि भाई नहीं, पुराना गाना ही बेटर था। तो ज़रूरी था कि हम इसको ऐसे लाएं कि एवरीबडी लाइक्स इट एंड इवन मोर देन द ओरिजिनल। तो ये अरिजीत सिंह ने रेंडर किया है एंड ही हैज़ डन अ ब्यूटीफुल जॉब। जॉय अंजन की म्यूज़िक है एंड ऑफ कोर्स ओरिजिनल इज़ जुनून बैंड। सो इट्स इन अ होल फ्रेश न्यू पैकेज, इज़ बिन रिक्रिएटेड एंड ब्रॉट टू यू एज सयोनी द सॉन्ग एंड द फिल्म। Film is also named after the song Sayoni. Ji. As a producer, बहुत बहुत responsibility है अपने कंधों पर। वी आर शोल्डरिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पूरा बजटिंग करना, लॉजिस्टिक्स करना राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, गेटिंग द डायरेक्टर ऑन बोर्ड एंड देन द आर्टिस्ट एंड द टेक्नीशियंस, द म्यूजिक। सो इट इज़ लाइक गेटिंग द होल फिल्म टुगेदर इन द बिगिनिंग विद ट्रस्ट एंड फेथ। भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई, और अपने आप पे इतना यकीन होना चाहिए कि हमने राइट चॉइस ऑफ म्यूज़िक डायरेक्टर की है या हमने राइट चॉइस ऑफ आर्टिस्ट की है। और स्क्रिप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ द स्क्रिप्ट। सो इफ़ द कंटेंट इज़ नॉट गुड देन नथिंग इज़ गुड, बट इफ़ योर कंटेंट इज़ गुड एंड देन यू वर्क हार्ड टूवर्ड्स इट, देन यू हैव अ श्योर शॉट विनर। तो हमें पता था कि ये कंटेंट बहुत मजबूत है, तो उस हिसाब से हमने ये कंटेंट लिया, डायरेक्टर लिया एंड कास्ट लिया and created and we managed to beautifully make this film not only in India, it's shot in Dubai and Ukraine, Russia. So it's a whole new package and locations that nobody has ever seen before. So bahut mehnat ki hai aur jo abhi end picture hai and the product, we are loving ourselves. So I'm sure everybody will love it. So film cinema gharon mein release hone wali hai ya
ये सबसे पहले तो हमें म्यूज़िक रिलीज़ करनी थी. ऑफ कोर्स टॉक्स आर ऑन अबाउट द फिल्म रिलीज एंड द प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग. लेकिन हमें लगा कि बिकॉज द यूएसपी इज़ द म्यूज़िक, सो वी डिडंट वांट टू वेट एंड वी वांटेड टू रिलीज़ द म्यूज़िक स्टेप बाय स्टेप. ये सिर्फ सयोनी गाना इसका हिट नहीं है, ऑल द अदर सॉन्ग्स दैट आर इन दिस फिल्म on the charts are fabulous songs because we have singers like Jubin Nautiyal, Jyoti Nuran, Mika Singh and all these great singers, legendary singers who have done songs for the film. Or we have a whole plan of bringing the songs one by one, releasing them one by one. It's not going to be overnight, it's over a period of November and December that we're going to be releasing the music because each song is a winner. So we have a whole plan of releasing the music and then finally revealing the film to everybody. And I'm sure by then we'll have the best decision locked. देखो कोविड को मद्देनज़र रखते हुए और इन टाइम्स को, कोरोना टाइम्स को रखते हुए हम आज इतना बड़ा हमने वो किया है म्यूज़िक लॉन्च, जैसे सॉन्ग लॉन्च ऑफ सयोनी. सयोनी इन लेस देन 24 आवर्स हैज़ हिट 3.5 मिलियन व्यूज़ एंड काउंटिंग. अभी तक इट मस्ट बी 3.6 और 3.7, वी हैवन सीन द लेटेस्ट नंबर्स, बट इट्स क्लाइंबिंग एंड वेरी स्टेडली. तो ये इससे हौसला है हो रहा है एंड हौसला अफजाई होती है कि भाई वी हैव डन द राइट थिंग एंड वी हैव गॉट अ विनिंग प्रोडक्ट इन आवर हैंड्स. आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, इंटरव्यूज़ रखे, सब आए तो ऐसा लग रहा था कि कोरोना है ही नहीं. मतलब वी हैव गॉन बैक टू आवर ओल्ड वेज ऑफ लॉन्चेज एंड प्रीमियर्स एंड महूर्त एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग दैट इट कम्स बैक टू द सेम सिनेरियो इन आवर म्यूजिक इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री सून. सो जी ये स्क्रिप्ट ऐसा था, ये स्क्रिप्ट ऐसा था विच कॉल्ड फॉर न्यू टैलेंट, फ्रेश टैलेंट. और जो हमारे डायरेक्टर हैं नितिन, ही हैड अ सर्टेन विजन एज वेल. ही वॉन्टेड द स्क्रिप्ट को लेकर जो उन्हें टैलेंट की ज़रूरत थी वॉज दिस फ्रेश टैलेंट, जो एक्शन में भी ही वुड बी गुड, रोमांस को लेकर ही वुड बी गुड एंड समबडी विद अ मैचिंग पैशन. जो डायरेक्टर का पैशन होता है अगर वो एक्टर से नहीं मिलता मैच करने के लिए तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है. तो यहाँ पर ये द स्क्रिप्ट डिमांडेड अ फ्रेश न्यू फेस जो है हमारे पास तन्मय सिंह. तो ही मैच द पैशन एंड द एग्रेशन एंड द जील टू वर्क अलॉन्ग विद द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर. तो ही वॉज अ ग्रेट चॉइस, जैसे कि आपने देखा इन द शो रील, ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब. तो एक तो ये था कि द स्क्रिप्ट डिमांडेड फ्रेश न्यू फेसेस, तो वी नीडेड फ्रेश न्यू फेसेस. अगर स्क्रिप्ट डिमांड करता कि इट नीडेड अ स्टार और एन एक्टर हु हैज़ बीन देयर एंड हु हैज़ प्रूव्ड हिज वर्थ एंड हु हैज़ हैड मेनी हिट्स बिहाइंड हिम, तो ऑफ कोर्स इट वुड बी एनी ऑफ आवर डियर फ्रेंड्स लाइक सलमान, शाहरुख एंड. बट ये स्क्रिप्ट ऐसा था दैट नीडेड फ्रेश फेसेस. Thank you so much. And this is what platform na? INS. Good to see you. What do you think is the challenging part, when you talk about filmmaking and you your family belongs to the industry. They have done so many things in terms of organizing, doing.
I would say, you know, award function. There's so many things which is done by your family. Why you chose to be a producer? It's what I do best, and it's what I have seen best. All my growing up years as a child, I have sat on film sets, films produced by my grandfather, my dadaji, Abdul Karim Nadiadwala. He was called Seth Ji in the industry. And then my father, Ibrahim Nadiadwala. So, bachpan se hum inhi ke sets par baithte aaye hain, dekhte aaye hain, shootings, stars, aur yehi mahol raha hai, as in a work atmosphere. So, zahir si baat thi ke it is in the blood. So, I'm not surprised that I have launched my own banner and my own production. Industry mein itna number of learning about aapne apne busy kar diya, you know. I was hearing from the time when you were discussing this, you're talking about subvention, you're talking about, you know, the bond mission. Ji. Do you agree there is no lifetime friend in the industry when you talk about this? Lifetime friend, abhi it's a very debatable concept. Friend kya hota hai? Friend doesn't have to prove he's a friend, that sara time saath mein ho ya sara time saath mein baithe rahe. Hamara jo bond hai with the film industry and the stars and the actors, wo ye hai ki hum shayad roz nahi mile, lekin jab hum phone utha kar baat karte hain ya jab hame zarurat hoti hai ya jab zarurat padti hai, situation calls for the fact that we are required to be together, to phir sab aa jate hain and everybody is there. So chahe Bachchan sir ho ya Shahrukh ho ya Salman ho ya the new age generation ho like Tiger, and you know, they've all grown up. Wo ek jab hum bade ho rahe the to hamare you know, hamare jo saat colleagues the wo you know, Shahrukh and Salman. Ab jab hamare bacche bade hue hain, their colleagues are Tiger Shroff. So wo saath mein bade ho rahe hain, and Rin Singh, who is Danny Dansongpa's son. And तो ये सारे बच्चे साथ में बड़े हो रहे हैं, तो it just goes from generation to generation. And हमें कभी नहीं लगा कि किसी को प्रूव करना चाहिए कि दे आर फ्रेंड्स विद अस, बिकॉज विद अस हमारा रिलेशनशिप जो रहा है इंडस्ट्री में विद ऑल, चाहे नॉट ओनली जस्ट द स्टार्स, चाहे डायरेक्टर्स हों, चाहे टेक्नीशियंस हों, या म्यूज़िक डायरेक्टर्स हो, या म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, सिंगर्स हों, वी आर फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ देम. हम रोज़ पार्टी करते हैं साथ में, हम बैठना उठना है साथ में. सो आई थिंक वी ऑल स्टक टुगेदर एंड इट्स बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी फॉर अस. एज यू मेंशन द सेकंड टाइम यू हैव टू स्पोकन अबाउट शाहरुख सलमान, देयर पॉसिबिलिटी वी सी यू नो इन द अपकमिंग डेज वे यू प्रमोटिंग द म्यूजिक ऑफ द फिल्म. जी, शाहरुख कमिंग द पिक्चर प्रमोटिंग इट, यू नो. See, as friends, we don't take advantage of the fact that Shah Rukh is close to us and his family, and so we have to call him to do this. नहीं, आज वो दुबई में हैं, वो IPL के साथ busy हैं, IPL matches चल रही हैं, वो अपनी team चला रहे हैं, उनकी team को हमने भी manage किया है, Kolkata Knight Riders, you know, Sine Yug has managed the team, and so we understand each other. We will only ask of each other if there's a dire need, or yeah, हमें अगर लगे कि भाई उनकी absolute ज़रूरत है. Otherwise, we don't disturb each other in our everyday walk of life. वो अपना काम चला रहे हैं जब उन्हें चलाना होता है, हम अपना काम चला रहे हैं जब हमें चलाना होता है, and yet जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है तो then we are always there for each other also. Is there any specific reason we are, you know, pushing the, or you have planned in such a way to release the film before December? Even the central government, the state government, working on the film to open the theaters. So it's a planned release of the film. Or by the time you will get It is a plan. Because Corona has lasted already 9 months, it is a new way of life. This is the new normal. ये कल परसों तो ख़त्म होने वाला है नहीं, वैक्सीन्स आने वाली हैं बहुत जल्दी, वेदर इट इज़ जनवरी और फरवरी, वी नो वैक्सीनेशन इज़ गोइंग टू कम आउट. अब कल ही हमें न्यूज़ में पता चला कि शेख मोहम्मद ऑफ दुबई हैज़ टेकन द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ कोविड, तो द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, वी नो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू कम आउट विद द फिल्म्स एंड टू स्टार्ट योर लॉन्चेज और स्टार्ट द प्रमोशंस एंड द म्यूजिक. I think it's a good time. I think we are at the right time and at the right moment to do this. It means you are eyeing more theater than OTT platform. We are eyeing both.
because right now OTT is as big or bigger. Theatres, theatrical releases have not met with 100% success with every star, whether they are big stars or small stars or new fresh faces. But we see that OTT is doing really, really well, digital. Aajkal, and especially because of Corona and COVID, everybody has been home, nobody has ventured out in the last 8 months, 9 months. Everybody has been in the comfort of their homes, in their beds, in their pajamas, enjoying movies on their screens and on their television sets. So, you know, it's become the new normal. आप घर में पॉपकॉर्न बना रहे हैं या घर में चिप्स या वेफर्स या खाकराज या गाठिया जो भी आपको पसंद है आप सब घर में अपने बेड में लेकर बैठे हुए हैं एंड यू आर एंजॉयिंग द मूवीज इन द कंफर्ट ऑफ योर ओन होम्स सो आई डोंट थिंक ओटीटी इज़ इन एनी वे स्मॉलर देन द बिग सिल्वर स्क्रीन आई थिंक इट इज़ अ गुड कॉम्पिटिशन एंड आई वुड बी हैप्पी टू ब्रिंग दिस फिल्म ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स वट एवर वर्क्स बेस्ट एंड वट एवर इज मोस्ट सक्सेसफुल फॉर द फिल्म While we are talking, the good news is coming in. Theater is opening by tomorrow in Maharashtra. Yes. I don't know if you're aware or not. I just So, like I said, this is the best time and it's a perfect time, and I think we are timing it absolutely perfectly well. Thank you so much, ma'am. Thank you. Jinka poster dekh ke aur jitna bhi log abhi hamare log 90s ke 90s ke door ki yaad aati hai. क्या और जब आपको ऑन बोर्ड किया गया क्या बिलीफ था मेकर्स का कि दे आर मेकिंग दिस म्यूजिकल लव स्टोरी वी हैव सीन सो मेनी म्यूजिकल स्टोरी आशिकी टू से लेकर आशिकी और भी बहुत सी फिल्म आपको क्या ब्रीफ दिया गया था कि किस तरह की सी दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल म्यूजिकल लव स्टोरी इट्स नॉट जस्ट अ म्यूजिकल लव स्टोरी इट्स एन एक्शन थ्रिलर म्यूजिकल लव स्टोरी इट्स अ मिक्सचर ऑफ एक्शन थ्रिल एंड लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स एंड ऑल एंड It's a complete package of. जब ऐसा कहते हैं आप तो मुझे मलंग भी याद आती है ये तो फेमस सिंगर तुम हो it's not that type of thing because मलंग मलंग के साथ मलंग थोड़ा आर्टिस्टिक टाइप से था ये complete Bollywood package है जिसमें ड्रामा है एक्शन है आपका सब कुछ ऑब्वियसली इट विल बी मतलब थिएटर्स खुल रहे हैं अगर ये थिएटर्स में अगर जैसे लक्की जी जैसे थिएटर्स में मानने थिएटर्स में जाने के लिए अगर उनके डील्स हो रहे हैं तो वह तो ऑब्वियसली एज ए न्यू कमर्स हमारे लिए तो बेनिफिशियल है और ओटीटी भी मतलब कुछ ओटीटी भी ओपन है ओटीटी भी कुछ बुरा नहीं है ओटीटी और मे भी सेम चीज़ें हैं तो राहुल रॉय साहब वक्त हो गया उनको बड़ी स्क्रीन पे और बहुत ईमानदारी से वो बात कर रहे हैं बिल्कुल हमेशा से आपके जहन में राहुल देश के साथ Somewhat kind of because नितिन के राहुल सर के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन्स थे तो जिसकी वजह से ये करेक्टर जो है ये करेक्टर राहुल सर के लिए ही था बिकॉज एक्सेप्ट राहुल सर बाकी कास्टिंग के लिए वी हैव टू फाइट वी हैव टू ऑडिशन एंड ऑल बट राहुल सर वॉज द थिंग जो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया रही होगा क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से जब भी फिल्म रिलीज होती है तो क्या मिलने वाला है क्यों वो आए और फिल्म का हिस्सा कट मारना पड़ेगा इसके लिए नहीं बिकॉज आई नीड टू थिंक अबाउट इट दिस मूवी इज अ कंप्लीट पैकेज दिस मूवी has drama, action and everything and it's a complete masala film.